तीन है वो तो करना ही था, कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है। आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। टी जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो रूटीन है वो तो करना ही था, उसमें कहा कोई अलग बात। और आप लोग सब लोग जान ही रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है। तो इस पर ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है। और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है, ये कहीं टिकने वाला नहीं है। और हालांकि ये करना ही था, ये तो फॉर्मेलिटी होता है, तो करना था। क्या बात, ठीक है, चलिए चलिए। देखिए बिहार में लगातार हत्या तो हो ही रही है, हर तरह का मामला जो है सामने जो है आ रहा है। और अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए हैं। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है, या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है। ना ये लोग पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाता है। अपराधियों को पूरा नीतीश जी के राज में संरक्षण मिलता है। और नीतीश जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए हम सब लोग बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पर खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। और कहीं ना कहीं से अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देने का प्रयास कर रही है। देखिए इस विषय पे पार्टी के लोगों से लगातार बात हो रही है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे, लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पे पार्टी जो है ठीक है ना, इस पे मंथन कर दी है कि किस क्या रूप रहेगा यात्रा का, कहाँ से कहाँ हम लोग यात्रा करेंगे और कब से करेंगे। तो इस पे जो है सारी बातें चल